करने वाले व्यक्ति को फेसबुक पोस्ट के आधार पर पुलिस द्वारा उठाया जाता है। बाद में उक्त व्यक्ति को आर्म्स एक्ट लगाकर जेल भेज दिया जाता है, जिसका विरोध समस्त विदिशा जिले में देखने को मिल रहा है। उक्त व्यक्ति को फंसाए जाने के विरोध में समस्त विदिशा जिला अल्पसंख्यक विभाग ने विदिशा एसपी को एक ज्ञापन दिया है और मांग की है कि खिलौने बेचने वाले युवक को पुलिस द्वारा फंसाया गया है। वो मांग कर रहा है कि निष्पक्ष जाँच कराकर जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। जगदलपुर में दो दिन पूर्व हिकमी पारा में चोरी हुए प्रकरण में कोतवाली पुलिस को सफलता मिली है। तीज त्योहार के तड़के सुबह आरोपी द्वारा घटना को अंजाम दिया गया। विवेचना के दौरान ज्ञात हुआ कि चोरी में शामिल संदेही संजय बाजार क्षेत्र में देखे गए हैं। सूचना पर थाना प्रभारी कोतवाली एमएन साहू के नेतृत्व में कार्रवाई हेतु टीम रवाना की गई है। उक्त टीम के द्वारा संजय बाजार क्षेत्र में तीन संदिग्ध व्यक्तियों की पहचान कर घेराबंदी कर पकड़ा गया, जिनमें पूछताछ करने पर अपना नाम योगेंद्र ठाकुर, तिलक बघेल और रवि बघेल, तीनों निवासी आकाश नगर जगदलपुर का होना बताया, जिसमें पूछताछ करने पर बताया कि आरोपी योगेंद्र ठाकुर न्यूज पेपर बांटने के बहाने सुबह सुबह घरों पर जाता था और वहां का देखकर रखे मोबाइल आदि सामान को चोरी कर ले जाता था। मामला थाना सिटी कोतवाली जगदलपुर क्षेत्र का है, जहां 10 सितंबर के तड़के सुबह हिकमीपारा क्षेत्र से जो है एक घर में एक अज्ञात चोर के द्वारा जो है चोरी कर तीन मोबाइल, सोने का लटकन, चांदी का पायल चोरी कर घटना को अंजाम दिया गया था। इस मामले में प्रार्थी के रिपोर्ट पर अज्ञात आरोपी के विरुद्ध चोरी का अपराध दर्ज कर अनुसंधान में लिया गया था। इस मामले में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश पर थाना प्रभारी कोतवाली एमएन साहू के नेतृत्व में टीम गठित कर माल मुलजिम की पतासाजी की जा रही थी। दौरान पतासाजी के आज जानकारी मिली इस मामले के कुछ संदेही संजय बाजार क्षेत्र में देखे गए हैं, इन्हें घेराबंदी कर जो है पकड़ा गया। इनसे पूछताछ करने पर अपना नाम योगेंद्र ठाकुर, रवि बघेल और तिलक बघेल, तीनों निवासी आकाश नगर क्षेत्र का होना बताया गया। पूछताछ पर इनके द्वारा बताया गया कि योगेंद्र ठाकुर सुबह सुबह जो है और उसी बीच आपको ऋषिकेश से खबर बताते हैं। ऋषिकेश से खबर, योग नगरी ऋषिकेश पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह।